बहू, तुम्हारे मायके वालों ने दिया ही क्या था जो मांग रही हो। ठीक है मम्मी जी, आप जो कह रही हैं वो मैं मान लूँगी और ये घर छोड़कर अलग हुए जा रही हूँ। लेकिन शर्त एक ही है, मेरे मायके में जो कुछ मुझको मिला था वो सब चीज़ें मुझको वापस कर दीजिए। करुणा ने बहुत ही निडरता से कहा। ये लो जी, अब इनकी बातें सुन लो। बहू, तुम्हारे मायके वालों ने दिया ही क्या था जो मांग रही हो। कुछ तो शर्म की होती, देने के नाम पर टरका दिया और बेशर्मी से सब मांगा जा रहा है। त्रिवेणी बहुत ही गुस्से के साथ बोली। अब ये बताइए कि आप ये क्या कह रहे हैं मम्मी जी। आपकी मांग के हिसाब से मेरे मम्मी पापा ने अपनी हैसियत ना होते हुए भी बहुत कुछ दिया था, और वो गहने भी जो मम्मी ने अपनी मम्मी के हमको शादी में चढ़ाए थे और जिनको शादी में एक बार पहनने के बाद मेरे होते हुए भी जिनकी शक्ल दोबारा मुझको देखने को नहीं मिली, आपके मुताबिक वो आपके पास ही सुरक्षित रखे थे। बस यही सब मुझको वापस कर दीजिए। करुणा भी अब थोड़ा चिढ़कर बोली। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? ये जो 2 साल से इस घर में महारानियों की तरह रहकर मौज रही हो ना, उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम्हारे मायके वाले? समझ लो कि वो तुम्हारा 2 साल का घर में रहने का किराया हो गया। फिर भी त्रिवेणी बहुत ज़्यादा बेशर्मी से बोली। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? कुछ तो सोचिए, विचारिए। क्या ये घर हमारा नहीं था जो आप इस घर का किराया मुझसे मांग रही हैं? करुणा बहुत ज़्यादा दुखित हो गई, क्योंकि उसको त्रिवेणी से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि वो करुणा से इस घर में रहने का किराया मांग लेगी। माना कि वो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन इतनी घटिया सोच होगी उनकी, इस बात की तो परिकल्पना करुणा ने सपने में भी नहीं की थी। ऐ लड़की, बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो। आखिर तुम्हारा कौन सा घर, तुम्हारा इस घर पर कैसा अधिकार? क्या तुम इस घर को मायके से लेकर आई थी? यह घर हमारा है, इस पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। त्रिवेणी बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही थी। चलिए आपको पहले मिलवाते हैं सारी समस्याओं से कि आखिर माजरा क्या है जो इतना बवाल मचा हुआ है। समीर ने मध्यम वर्गीय परिवार की करुणा के साथ अपनी मर्जी से मनपसंद विवाह किया था। समीर बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का था और ज़्यादा चतुर ना होने के कारण ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसकी एक छोटी सी किराए की परचून की दुकान थी। करुणा वहीं सोदा पानी लेने आती थी। कब समीर का दिल करुणा पर आ गया पता ही नहीं चला। करुणा को भी शांत और सरल स्वभाव का समीर बहुत अच्छा लगता। जब घर के छोटे बड़े समीर की शादी की बात चली तो त्रिवेणी ने उसकी शादी को भी दहेज के तराजू पर तोलना चाहा, क्योंकि करुणा का बड़ा बेटा अनिल बैंक में नौकरी करता था और उसकी ससुराल से भरपूर दहेज मिला था। बस त्रिवेणी यही सब कुछ समीर के ससुराल से चाहती थी, लेकिन समीर ने उनकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया और समीर करुणा के साथ शादी करने के लिए जिद पर अड़ गया। पहले तो करुणा ने साफ मना कर दिया, लेकिन जब समीर ने अपने पवित्र प्यार को अपनाने के लिए घर छोड़ने की धमकी दी तो त्रिवेणी ने हाँ तो कर दी, लेकिन करुणा के मायके वालों से तरह तरह के सामान की फरमाइश कर दी। करुणा के मायके वालों ने किसी तरह से थोड़ा बहुत फरमाइश पूरी कर दी, लेकिन त्रिवेणी ने करुणा को बिल्कुल भी दिल से नहीं अपनाया और जब देखा तब करुणा को बहुत खूबसूरत खूबसूरत तानों से नवाजा करती और अक्सर ही घर छोड़ने के लिए बेबस करती। और एक खास बात और कि समीर के सामने तो करुणा से कुछ नहीं कहती और उसके पीठ पीछे ना जाने कितनी बातें सुनाती। और अभी कल की ही बात है, जब करुणा सारा काम
समेट ही रही थी कि त्रिवेणी ने उसको बुलाकर कहा कि तुम अपना कहीं और देखने का ठिकाना ढूंढ लो, क्योंकि तुम जिस कमरे में रहती हो उसे वह हमको किराए पर उठाना है। अब तो करुणा भी त्रिवेणी की बातें सुन सुनकर पक चुकी थी और आज तो त्रिवेणी ने साफ साफ बात के मूड में नज़र आई। मम्मी जी घर आप भी ये मायके से लेकर नहीं आई थी, अब तो करुणा भी गुस्से से बोली। दो टक की छोकरी मुझसे बहस कर रही है, त्रिवेणी बहुत ज़्यादा बेफिक्र होते हुए बोली। मम्मी जी बहस करने के लिए आपने ही बेबस किया था, और हाँ एक बात साफ सुन लीजिए, जब तक मैं इस घर में एक कदम बाहर नहीं निकालूंगी। आपने अभी तक मेरा सभ्य रूप देखा, लेकिन अब आप मेरा दूसरा ही रूप देखेंगी, क्योंकि समीर के सामने तो अब बहुत अच्छी बनती हैं और उनके पीछे आपका दूसरा रूप होता है। इस गलत फहमी में मत रहिए कि समीर को कुछ पता नहीं, जानते तो वो भी हैं आपके स्वभाव के बारे में, लेकिन बस कुछ कह नहीं पाते। और अगली बार आपने कुछ कहा तो उनको दुकान से बुलाकर उनके सामने ही सारी बातें साफ करूंगी। इतना कहकर करुणा अपने कमरे में चली गई और त्रिवेणी को कुछ सूझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि आज तो बहू ने उसको आईना दिखाई दिया था, क्योंकि वो भी यह घर मायके से लेकर नहीं आई थी और उसके बाद उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि एक बार अगर करुणा की जुबान खुल गई तो बंद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।